न्यूज़ खबरों की नई पहचान। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के बीच QR कोड वितरण कैंप का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी योजना PM स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये लोन देने की प्रक्रिया है। उसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैं भी डिजिटल कार्यक्रम के तहत QR कोड को डिजिटल ट्रांजैक्शन से जोड़ने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें कुमार ने लाभार्थियों के बीच QR कोड का वितरण किया तथा योजना के लाभ के बारे में लोगों को बताया। किस तरह का कार्यक्रम के लिए आप लोग जो है प्रेस वार्ता करते हैं? आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकों को QR कोड दिया है, जिनका लोन सैंक्शन हो चुका था, तो उनसे डिजिटल मोड से आज हम लोगों ने जोड़ा है। तो आज झरिया में, झारखंड में चतरा में, देवघर में, चास में, गिरिडीह में, हजारीबाग में आज हम लोग कैंप करके सारे कस्टमर को, लाभांकों को डिजिटल मोड QR कोड से जोड़ रहे हैं आज हम लोग। इससे क्या फायदा मिले? इससे कस्टमर को आज की डेट में डिजिटल ही, मैं भी डिजिटल कैंपेन एक चला हुआ, जिससे कस्टमर विदाउट कैश छुए आज के दिन में, कोविड के समय में कैश से इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो, तो हम बहुत सेफ तरीके से अपना लेन देन कर सकते हैं। और एक छोटा जो आदमी जो 10,000 की लोन, उसका भी एक फिजिकल फाइनेंशियल फुटप्रिंट क्रिएट हो सकता है, तो आगे वो लोन, बड़े लोन के लिए वो भी वो एलिजिबल हो सकता है। तो बैंक अभी 10,000 रुपये दिए, अगले साल उनको बड़ा लोन भी दे सकता है, तो इससे उनका डिजिटल फुटप्रिंट एक बन जाएगा बैंकों में।